हरियाणा विधानसभा की कैथल सीट जो अक्सर चर्चाओं में रहती है, वो सीट रणदीप सुरजेवाला की पैट्रिक सीट मानी जाती है और इस सीट से सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को पार्टी में यहाँ से विधानसभा का टिकट दिया। ये वही सीट है जहाँ रणदीप सुरजेवाला और उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला विधायक रह चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला ने 2019 और 2014 के चुनाव में कैथल सीट पर जीत हासिल की। उससे पहले 2005 के चुनाव में उनके पिता शमशेर ने बाजी मारी। कैथल विधानसभा सीट पर सुरजेवाला परिवार का प्रभाव रहा। 2005, 2009, 2014 में चुनाव यहां से जीत मिल चुकी है। 2005 में जहां शमशेर सिंह सुरजेवाला ने जीत दर्ज की, तो वहीं 2009 और 2014 में चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बाजी मार दी। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार इस सीट पर कांग्रेस को पटकनी देने में कामयाब रही। शमशेर सिंह सुरजेवाला हरियाणा विधानसभा के सदस्य होने के अलावा राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शमशेर सुरजेवाला 1967, 1970, 1982 और 1991 में नरवाना से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1992 में वो राज्यसभा के सदस्य बने। 2005 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें कैथल से चुनाव लड़ाया। शमशेर कांग्रेस की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जीत हासिल की। वहीं हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। शमशेर हरियाणा विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता भी रहे। शमशेर को किसानों के लिए काम करने के लिए जाना जाता रहा है। वहीं हरियाणा कृषक समाज और ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। 20 जनवरी 2020 को दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया। जिस कैथल ने सुरजेवाला परिवार को जश्न मनाने के कई मौके दिए, उसी कैथल से 2019 के चुनाव में रणदीप सुरजेवाला हार गए। रणदीप की बीजेपी में लीला राम के हाथों शिकस्त मिल गई। लीला राम को महज 1246 वोटों से जीत मिली। इससे पहले 2014 के चुनाव में रणदीप सुरजेवाला ने जीत हासिल की थी। उन्हें INLD के कैलाश भगत को हराया और बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। रणदीप सुरजेवाला के उस चुनाव में 65,524 वोट मिले। जीत का अंतर 13,000 से ज़्यादा वोटों का था। 2014 के पहले 2009 के चुनाव में भी रणदीप सुरजेवाला ने जीत दर्ज की। इस सीट पर वो पहली बार लड़े थे। उन्होंने INLD के कैलाश भगत को हराया। रणदीप सुरजेवाला को 59,879 वोट मिले। जीत का अंतर 20,000 वोटों से ज़्यादा था। कैथल में सुरजेवाला परिवार सफल रहा। हालांकि 2019 में चुनाव में बीजेपी ने सेंध लगाई और कांग्रेस की सीट पर जीत हासिल करने के लिए सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी पर दांव खेल रहा है। रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा के सांसद और ऐसे में उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला को टिकट मिला। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में आदित्य सुरजेवाला अपने पिता और दादा की लेगेसी को बढ़ाने में कामयाब होंगे या भाजपा 2019 का चुनाव परिणाम को दोहराने में कामयाब होंगे। ये तो समय ही बताएगा। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।